बड़ी खबर आ रही है तुनिशा शर्मा के केस को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में बीते 9 जनवरी को शीजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने वसई कोर्ट में दावा किया था कि वो शीजान से ब्रेकअप के बाद यानी कि तुनिशा शर्मा ब्रेकअप के बाद किसी अली नाम के व्यक्ति को डेट कर रही थी और तुनिशा की मुलाकात अली से टिंडर ऐप पर हुई थी, जो कि एक डेटिंग ऐप है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि तुनिशा ने जान देने से 15 मिनट पहले वीडियो कॉल पे अली से बात की थी। अब दोस्तों इसी कड़ी में जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि तुनिशा की माँ वनीता ने बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि तुनिशा ने मुझे फोन किया था और बताया था कि वो जिम ट्रेनर अली से मिल रही थी, ये 3 महीने पहले उसका ट्रेनर था। बताया गया तुनिशा की जान जाने से 3 दिन पहले वो उसके साथ यानी कि अली के साथ खाना खाने भी बाहर गई थी और चैट के जरिए बात भी कर रही थी, हालांकि दोनों केवल दोस्त हैं। आसान शब्दों में कहें तो तुनिशा शर्मा केस में अब अली नाम के नए व्यक्ति की एंट्री हो गई है। जाहिर बात है फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है, इसी की वजह से आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार में दंगा होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पे किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया बीते रोज। गाँव वाले बीते बुधवार सुबह लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पे टूट पड़े। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। दोस्तों आसान शब्दों में इन शॉर्ट में बताएं तो पूरा मामला यह है कि किसान 85 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में बीते मंगलवार को प्लांट के मुख्य गेट पे ताला लगा दिया गया, यानी कि प्लांट में किसानों ने ही ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद धरने पे बैठ गए। बताया गया उस समय पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर रात को पुलिस ने बनारपुर गाँव में घुसकर मारपीट की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया तो मंगलवार की रात सबसे पहले पुलिस ने पिटाई का एक्शन लिया। इसी पुलिस की ज्यादती के विरोध में बीते बुधवार सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर प्लांट पे पहुंच गए और हमला कर दिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में भयंकर ठंड पड़ने को लेकर। दोस्तों आपको बता दें उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 साल में दिल्ली में तीसरी बार इतनी भीषण ठंडी पड़ी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई है। जाहिर बात है इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में भी काफी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।